वेलकम बैक टू लर्न विद परी, मैं हूँ परी। और फ्रेंड्स, वैसे यूजुअली तो मैं अपने एग्जाम के टाइम में वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये वाला जो वीडियो था आप बहुत रिक्वेस्ट कर लिए थे कि परी तुम अपना एग्ज़ाम रूटीन बताओ। तो फिर मैं आज आपको मेरा एग्ज़ाम रूटीन बताने वाली हूँ, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो फिर आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो फिर सबसे पहले तो मैं ना, आज संडे है तो फिर संडे को मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, जैसे कि बाकी दिन जब स्कूल होता है उस टाइम मैं 6 o'clock उठती हूँ और उस टाइम से पढ़ाई करती हूँ। फिर 7 से मैं रेडी होकर स्कूल चली जाती हूँ, तो मैं 1 घंटे मेरा पढ़ाई होता है वर्क डेज में। और फिर अभी संडे जब भी छुट्टियाँ होता है मैं 7:30 को उठती हूँ, थोड़ा सा लेट उठती हूँ, तो फिर उठकर मैं पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बालकनी में हूँ, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट में विटामिन डी होता है तो फिर वो हमारे लिए अच्छा है, तो मैं यहाँ पर बैठ कर अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर अभी ऊपर मामा इडली बना रहे हैं, तो वह इडली बन जाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर कंटिन्यू करूँगी। तो चलो, मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ एग्जाम के लिए, मैं लिख लिख कर सब सारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्योंकि पापा बोलते हैं कि एक बार अगर हम कोई एक क्वेश्चन आंसर लिख देंगे इक्वल्स टू 10 times लिखना, मतलब 10 times पढ़ना, तो फिर वैसे बोलते हैं हम। तो फिर मैं लिख लिख कर प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा ऐसा होता है कि मैं सुबह को जो पढ़ती हूँ ना, वैसे करने से मेरे को याद रहता है। तो फिर और मेरा जो एग्ज़ाम है 23rd को है और आज है 20, तो फिर सबसे लास्ट एग्ज़ाम जो है वो है EBS का, यानी कि सोशल साइंस। तो फिर उसका जो है वो मैं 1 week पहले, मतलब सबसे पहले उसका सारा जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर चुकी हूँ। तो फिर अभी पहले तो कन्नड़ा है, कन्नड़ा का भी और ख़त्म हो चुका है और अभी इंग्लिश का कर रही हूँ मैं। तो फिर 3 दिन है। और फिर और एक चीज़, जो एग्ज़ाम है ना उसके 1 हफ्ते पहले हम कुछ भी वीडियो नहीं बनाते, उससे सबसे पहले ही हम सारा वीडियो बना देते हैं, एग्ज़ाम के पूरे बाद ही फिर शुरू करते हैं। जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है फिर फ्री हो जाते हैं तब है वीडियोस। और यहाँ पे देखो आदि आ गया, आदि बीच में आकर बोलता रहता है पहले खेलते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम आ रहा है तो खेल नहीं पाते हैं। और फ्रेंड्स, लिख लिख कर करने से ना हमारा जो हैंड राइटिंग है वो भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम जो टाइम होता है ना वो ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मैं पहले जब भी एग्ज़ाम देती थी जैसे कि हिंदी, और उसमें ना मैं लिखती रहती थी, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा स्लो है हिंदी में, तो मैं लिख रही थी। और फिर जब बेल रिंग हो जाता था, बस 1 मिनट होता था ना, तब मेरे को कुछ 2-3 questions बाकी रहते हैं और फिर वो लेखन वाला रहता है। तो फिर मैं फास्ट लिखती हूँ जब, तो फिर बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे हो जाते हैं, तो इसलिए अभी लिख लिख कर करने से मेरा हैंड राइटिंग भी फास्ट होता है और स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं होता, तो वही होता है। आदू, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? बुक ऊपर है। बुक ऊपर है? नहीं, मम्मा पास बुक ऊपर नहीं है, दीदी पास बुक ऊपर है। अच्छा, तो मम्मी को बोल दो, मम्मी ला लेंगे, ठीक है। तो अभी है ब्रेकफास्ट टाइम और मामा बहुत यम्मी यम्मी इडली बनाते हैं, और मैं ना इडली और जो दोनों चटनी होते हैं उसको मिक्स करके खाती हूँ। तो फिर इसमें टोमेटो चटनी है और वो गरम दाल की चटनी, ये दोनों को मिक्स करके उसमें इडली डाल कर खाती हूँ मैं। बहुत जम गया। और खाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी खा कर फिर नीचे जाकर पढ़ाई करना है। इसमें क्या क्या आया? इसमें एलोवेरा, कॉर्ड, लेमन और विटामिन ई कैप्सूल डाला है। अच्छा, आधा तो इसको मिक्स करने में ही लगा है, माना कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में थी तो इसको ग्राइंडिंग नहीं किया ना, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस। आदु के जो हाथ में लग रहा है, ए यू क्या कर रहे हो? ये अच्छा चीज है आदु, मुझे लगा कि ये दिमाग तेज करने के लिए एग्जाम के लिए चल रहा है प्रिपरेशन। ये तो क्या सीजन है ना, तो परी का हेयर अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो डैंड्रफ हो रहे हैं ना बेटा। क्या आदु क्या कर रहा है? आदु मिक्स कर रहा है। मम्मी
वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है रेलवे स्टेशन पर, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है परी, घर 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 घर, मैं तो परेशान हो गया पूरा। परी ये हो गया ठीक है, अभी आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे, तब तक तुम जब अपना पढ़ाई कर सकते हो ठीक है, आधे घंटे में जाके टेम्पो करके। हाँ ठीक है, आधे घंटे के बाद टेम्पो करके आ जाना। तो अभी है लंच टाइम और मैं खा रही हूँ आज राइस दाल, फिर कॉलीफ्लावर की सब्जी और दही। तो वे खाने के बाद फिर हम हमारा पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ये खाना है, ये खाना है। तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको मेरा शेड्यूल का जो लिस्ट है, फिर वो जो भी सारा रूटीन वो सब है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके तो चलो पहले खाना खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी हमारा लंच हो गया और अभी फिर से पढ़ाई में बैक। तो फिर ये है मेरा टर्म टू पीरियडिक टेस्ट का डेट शीट। तो फिर यहाँ पे मैं अभी टिक करूँगी जो भी मेरा हो चुका है। कन्नड़ा में मेरा चैप्टर नंबर 5 पंजर शाले नान मत हुंची मेरा और बेबू बेल दल्ली है तल्ली दलेन फला, वो तीनों हो गए हैं। हिंदी वाला मेरा तो मतलब वो पढ़ना जैसा हो गया है, बस वैसा वाला नहीं हुआ है, मतलब यू नो क्वेश्चन आंसर्स जैसा नहीं हुआ है, रिवीजन वो सब तो नहीं हुआ है। तो फिर अभी तक इसमें मैं नहीं टिक कर पाऊँगी। और फिर यहाँ पे इंग्लिश में चैप्टर 9 हॉकी विजर्ड ऑफ इंडिया वो मेरा हाफ हुआ है, मैं सुबह को कर रही थी वो, और द मंथ मेरा कंप्लीट हो गया है आज। चैप्टर 6 अग्रीमेंट द ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट हो गया है, प्रपोजिशंस भी हो गया है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिलीज एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आइटम्स वो सब नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में डेसिमल हो गया है, मेट्रिक में जो हो गया है, परसेंटेज हो गया है, पैटर्न्स हो गया है, बस उसका थोड़ा सा रिवीजन और कुछ शीट्स करना है जो पापा मेरे को दिए हैं यहाँ पे थोड़ा दिए हैं। और अभी आए हैं हम ईवीएस में। चलो ईवीएस में हमारा चैप्टर नंबर 10 11 और 12 ये तीनों हो गया है। तो फिर मेरे काफ़ी चीज़ें कवर हो चुके हैं। फ्रेंड्स जब भी आपका एग्ज़ाम होता है आप अपना जो डेट शीट नहीं तो जो भी सारा सिलेबस होता है उसको आप आपके सामने यहाँ पे जैसे कि कोई बोर्ड होगा नहीं तो कहीं पर लिख भी सकते हो या फिर ऐसे पेपर प्रिंट आउट करके वैसे लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाई हूँ, मेरा यहाँ पे ऐसे बोर्ड है फिर इसीलिए है, तो मैं वहाँ पे पिन कर लेती हूँ। तो फिर अभी उसके बाद मैं अपने सारे एग्ज़ाम में एक चेकलिस्ट और टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ, जैसे कि ये वाला। तो फिर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो फिर मैं आपको बोल देती हूँ। आई बिगैन प्रेपरेशन लॉन्ग बिफोर द टेस्ट, एग्जाम्पल बाई टेकिंग नोट्स इन क्लास, रीडिंग द टेक्स्ट बुक, रिव्यूइंग नोट्स, या मैं कर चुकी हूँ वो। आई चेक्ड वेदर इट्स अ क्विज टेस्ट और एग्जाम, हाँ इट्स अ एग्जाम पीरियोडिक टेस्ट। आई नो हाउ इट विल बी ग्रेडेड एंड वॉट परसेंटेज इज इट ऑफ माई एनुअल फाइनल कोर्स ग्रेड। एक्चुअली जैसे हमेशा होता है वो तो 100 होता है, तो फिर आई गेस या मेरे को वो पता है। आई नो मैनी क्वेश्चंस विल बी ऑन द टेस्ट, हाँ मेरे को पता है। आई नो व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑन द टेस्ट, एग्जांपल मल्टीपल चॉइस एसे फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ मेरे को पता है। क्वेश्चन आंसर्स देन एक्सट्रैक्ट और बहुत सारे हैं, अलग अलग के अलग हैं। सो देन आई नो हाउ मच टाइम विल बी गिवन टू कम्प्लीट द टेस्ट, वो मेरे को अभी तक मेरे को नहीं पता चला है, मैं चेक करूँगी। तो ये आई डोंट नो। और फिर क्या है, आई अंडरस्टैंड व्हाट मटेरियल विल बी कवर्ड ऑन द टेस्ट, हाँ मेरे को मतलब हो पता है मेरे को, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, बाकी सब ख़त्म हो गया है। तो फिर जब मेरा सब ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसको चेक कर लूँगी। यप हो गया। एंड देन आई रिव्यूड माई नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, हाँ मैं रोज़ थोड़ा रिवीजन करती हूँ फिर अपना बाकी स्टार्ट करती हूँ। रिसाइटेड ऑन माय क्लास नोट्स अलाउड एंड परहैप्स देम इन माय ओन वर्ड्स, हाँ मैं कुछ कुछ जो भी काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैं उनको अपने खुद के वर्ड्स में बनाती हूँ।
तो फिर ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो फिर मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डाउनलोड करके, अभी आपका भी एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो आप भी अपना ये वाला जो चेकलिस्ट है वैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसको कंप्लीट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको मतलब अपना कंटिन्यू करूँगी। और एक चीज़ चलो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, तो फिर ये है मेरा स्टडी प्लान, तो फिर स्टडी प्लान फॉर एग्ज़ाम, तो फिर यहाँ पे सारा है। तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीक प्रायर टू टेस्ट डेट, मतलब जो एग्ज़ाम है उसके एक वीक पहले क्या क्या करना है, हमारा जो भी सारा सिलेबस है, स्टडी गाइड है, वो सबको हमको कंप्लीट करना है। मेरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी तक थोड़े बहुत बाकी है, उसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। एंड देन उसके बाद रिवाइज आपको मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उसको रिवाइज करना है अच्छे से, और फिर अपना सारा कंटिन्यू करना है। तो फिर रिवाइज करना है ताकि आपके दिमाग में वो फिर से मेमोराइज्ड हो जाए। एंड देन सेल्फ टेस्ट, आपको खुद से सेल्फ टेस्ट करना है, जैसे कि आपका, जैसे मेरा एक बार अग्रीमेंट, जैसे कि मेरा वो EVS का एक चैप्टर हो गया था, मैं कभी कभी सेल्फ टेस्ट करती हूँ, खुद क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर आंसर बिना देखे कर लेती हूँ। और ऑलमोस्ट हर टाइम मैं पापा को पूछती हूँ, पापा मेरे को बिना दिखाए क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आंसर बताती हूँ, तो वो बोलते हैं करेक्ट है कि रॉन्ग है, वैसे सेल्फ टेस्ट है। एंड देन एग्ज़ाम के दिन, ये जैसे कि एग्ज़ाम के दिन भी जब मैं सुबह को जल्दी उठती हूँ, मैं पहले रिवाइज़ करती हूँ कि उस दिन का क्या क्या सिलेबस है, रिवाइज कर लेती हूँ क्या क्या आने वाला है, नहीं तो क्या मेरा गैस है, उसको करने के बाद हो जाता है। एंड देन डू अ क्विक रिव्यू एंड सेल्फ टेस्ट, तो फिर सेल्फ टेस्ट अगर टाइम होता है तो कर सकते हो आप, अगर टाइम है। एंड देन टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स राइट बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब आप जब स्कूल पहुँचोगे थोड़ा सा टाइम तो रहेगा ना, तब थोड़ा सा रिलैक्स करना है, और अगर हो तो आप थोड़ा सा मतलब सोचते रहना है कि मेरा क्या होगा, या फिर सेल्फ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली बात करना है, तो फिर पॉजिटिवली अगर बात करोगे तो फिर वो बहुत अच्छा होता है। और हाँ, एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स लेना है, ऐसे सोचना कि मैं पूरा पास कर लूँगी, पूरा आउट ऑफ आउट ला लूँगी, तो फिर वैसे करने से सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स बहुत वर्क करता है। और रात को अच्छे से पूरा नींद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में। एंड देन पोस्ट एग्ज़ाम, मतलब जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हमारा क्या होता है बताऊँ, एक शीट देते हैं और एक शीट देते हैं, उसमें लिखकर वो शीट देना है, जो क्वेश्चन शीट होता है वो हमारे पास रहता है। तो फिर कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, या फिर आपके पास भी नहीं होगा इनफ टाइम, तो फिर कुछ रह गया होगा, या फिर आपको, जब मैं क्या करती हूँ बताऊँ, मैं एग्ज़ाम लिख देती हूँ, मेमोरी थोड़ा सा मतलब याद रह जाता है क्या क्या क्वेश्चन आंसर है, दे देती हूँ, घर आती हूँ क्वेश्चन शीट के साथ चेक कर लेती हूँ, तो फिर मेरे को ऑलमोस्ट इतना श्योर नहीं होती हूँ ना, तो फिर ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि मेरे को कितना मिलने वाला है, मतलब मेरे को मेरा कौन सा गलती है वो मेरे को समझ में आ जाता है, और उसके बाद प्लानिंग करना है कि इस बार जो गलती किए हो, जैसे कि टाइम नहीं मिला, फास्ट करना है, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में नहीं करना है, वो सबसे बड़ी बात है। मैं पहले क्या करती थी बताऊँ, एक गलती हो जाती थी, पहली बार जब एक डिफरेंट टेस्ट आया ना, जैसे कि डिफरेंट टाइप का, तो हमको समझ नहीं आया था, मेरे को एक एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिला, फिर दूसरे एग्ज़ाम में भी सेम हुआ, तीसरे एग्ज़ाम में मेरे को समझ में आया नहीं अभी हैंड राइटिंग पूरा फास्ट करना है, तो उस एग्ज़ाम में मेरे को टाइम मिल गया था, तो फिर वैसा होता है। हमको हमारी खुद की जो गलती है उसको सुधारना है और उसको फिर इम्प्रूव करना है, फिर इम्प्रूव करने से और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो फिर वो बहुत अच्छा होगा। एंड अगर आपको थोड़ा अच्छा मार्क्स नहीं मिला होगा, सैड मत होना ज़्यादा, सोचना कि कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा गलत हो गया, चलेगा, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करना है, ठीक है, विद द सेल्फ पॉजिटिव आपको आगे बढ़ना है। और अदर टिप्स टू डू आइटम्स, मतलब टू डू आइटम्स जो आपको करना है, आपका जो आपको अगर कोई भी क्वेरीज है ना, आप अगर ट्यूशन भी जा रहे होगे तो मैम से थोड़ा पूछ लेना, नहीं तो क्लास में भी स्कूल में भी आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हो कभी और आपका जो भी नोट्स लिखे होगे ना, उसको पूरा चेक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत स्पेलिंग लिखे होगे और उसको ही प्रैक्टिस कर लोगे एग्ज़ाम में, वो गलत हो जाएगा।
सो दैट्स अ बिग मिस्टेक. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जब भी आप कोई डाउट पूछोगे ना, तो हेजिटेट मत करना कि आपके टीचर को ऐसे पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे. वैसे करके हेजिटेट नहीं करना है, पूछ लेना है, तो वो आंसर बता देंगे आपको और आपको समझा भी पाएंगे. एंड देन स्टडी इन अ एनवायरमेंट जिसमें आपको पूरा फोकस रह पाओ, आप बहुत अच्छे से रह पाओ. मैं सुबह सुबह को बाहर पढ़ती हूँ, माना कि बर्ड्स का थोड़ा आवाज़ आता है लेकिन वो थोड़ा सा प्लेजेंट काम रखता है, तो मैं वहाँ पे आराम से पढ़ पाती हूँ. और जब भी मैं रूम में पढ़ती हूँ, जब अंधेरा ऑलमोस्ट हो जाता है तो भी मैं रूम में पढ़ती हूँ, तो मैं पूरा डोर क्लोज करती हूँ, फ़ैन थोड़ा स्लो में लगाती हूँ ताकि ना आवाज़ ना आए, शोर ना हुए, और पूरा आराम से फोकस करके पढ़ती हूँ मैं. सो दैट्स अ रियली गुड यू नो पॉइंट. और गुड नाइट स्लीप सबसे अच्छा होता है. आराम से सोना है, सुबह को उठना है, पढ़ाई करना है और फिर अपना रूटीन शुरू करना है. तो फिर सोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और हाँ, जब भी आप पढ़ोगे ना, बीच बीच में आपके जो ब्रेन है उसको एक छोटा सा ब्रेक देना. जैसे कि आप अगर सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ चुके हो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है, खाना खाना है और फिर से पढ़ाई में शुरू करना है. तो बीच बीच में अपने ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट लेना है ताकि वो नेक्स्ट शेड्यूल के लिए और अच्छे से वर्क कर पाए. बहुत भाषण हो गया फ्रेंड्स, इतना काफ़ी होगा. तो फिर अभी मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी. और अभी आज संडे है तो फिर 4 बजे फिर मेरा डांस क्लास है, तो फिर उससे पहले जितना कंप्लीट कर पाऊँ कंप्लीट कर लूँगी मैं इंग्लिश को पूरा, वो हॉकी विजर्ड ऑफ इंडिया. तो चलो जल्दी से कंप्लीट करती हूँ और फिर मैथ्स का भी करना है, पापा कुछ शीट्स दिए हैं. तो चलो, मेरा एक्चुअली जो बुक था ना, ये वाला बुक एक यूज़ करी थी, वो शायद अभी मिलेगा नहीं मेरे को, आई गेस यहाँ कहीं था. छोड़ो, तो वो जो एक बुक था वो पूरा फुल हो गया, तो फिर मैं अभी एक मैथ्स बुक, मेरा 4th ग्रेड का बुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेजेस थे, उसको वेस्ट नहीं करना है, तो मैं उसको अभी यूज़ कर रही हूँ. मैथ्स बुक में इंग्लिश कर रही हूँ. चलो ओके, कहाँ थी मैं? फिर अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और अभी मेरा डांस क्लास का टाइम हो गया है. तो फिर अभी मैं डांस क्लास जाऊंगी, थोड़ा सा मस्ती करूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स करूंगी और फिर आकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी. जब शाम होगा, जब खेलने का टाइम होगा, आप ना प्रेफर करना बाहर जाकर थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी करना, फिर थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, तो वैसे मस्ती करना थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स करेगा और फिर आप आकर फिर घर आकर थोड़ा फ्रेश होकर फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना. और हाँ, आप ना मोबाइल नहीं तो टीवी मत देखना या फिर कोई गेम्स मत खेलना, मोबाइल गेम्स, क्योंकि ऑलरेडी जब आप पढ़ाई करोगे आपके आईज और ब्रेन्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा, वो थोड़ा वर्क करेगा. लेकिन फिर से अगर आप मोबाइल नहीं तो टीवी देखोगे तो फिर उससे फिर से आपका आईज में और प्रेशर आएगा, फिर ब्रेन भी चलेगा, तो फिर उसमें थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा टायर्ड फील होगा, तो फिर उसके बाद पढ़ाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. मैं तो डांस को बहुत इंजॉय करती हूँ, तो फिर मैं तो चलिए बाबा बाय. ओके अदीप, बाय बाय. अरे वॉच तो पहन नहीं, भूल गई, रुको अदीप. तो फिर अभी मैं डांस क्लास से आ गई हूँ और आते ही मेरे को बहुत भूख लग रही है, तो फिर उसमें देखते हैं क्या है. कुछ नहीं है. अबे खोल कर देखो, अगर तुम खोलोगे तो ये तुम्हारा है. तुमसे ना हो पाएगा. 10 years later. तुम खोलो. खोल गया. आप खोलो. ये लो, इसका एग्जाम नहीं है. तू कितना मस्ती कर रहा है दिन. ये आदि अभी बच्चा है तो इसका कोई भी एग्जाम का टेंशन कुछ नहीं है. हम बड़े क्यों है, बड़े होने से एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 फिनाले क्या क्या आता है. लकी, हम बड़े क्यों है. या तू नेल पॉलिश लगा है. आदू, तुम कभी बड़े मत होना, ठीक है. होना है बड़े, होना है बड़े,
तो एक्सचेंज कर लें, मैं छोटी तुम बड़े, ओके? तुम छोटे, मैं बड़ा गई हूँ, मैं छोटा हूँ। अच्छा ठीक है। तुम बड़ा हो। ठीक है। तुम छोटे हो, मम्मा बड़ा है, पापा बड़ा है, आगे खोखो, आगे खोखो, मम्मी बड़ा है, पापा बड़ा है। आदि छोटू है, पर दीदी छोटू है, मम्मी बड़ा है, पापा बड़ा है, और मामा? मामा बड़ा है, मामा बड़े हैं, बड़े। फिर अभी जाके पढ़ाई करना है। देखो इसको, देखो इसको, देखो बस। गिराया गया अभी। पहली फुर्सत में निकलो। हो गया ना दू, हो गया ना, हो गया आदि, हो गया। चलो नहीं मार, नहीं मार। अपने हुआ और बाकी इसको। हो गया ना, इतना भुगेगा तो वो बिस्किट ही उड़ जाएगा। चाय ठंडा हो गया पूरा। कुछ देखो फ्रेंड्स, हमने एक भी नहीं खाई, मम्मी के लिए इतना बचा। झूठे कहेंगे, अभी तो बस यही खा रहे हूँ। अदुप्पा दीदी का भाई है, आ जाओ। वो दीदी आ गई तो अभी खेलना है आपको, इसीलिए अभी दीदी का भाई बन गया। नहीं नहीं, उसको मैच चाहिए नूडल्स। स्पाइसी बोलता है, स्पाइसी है। खाएगा और नहीं खाएगा। तो बस एक पीस दो, एक दो। सॉरी फू करना भूल गई, फू करना भूल गए। बोली तू क्या खाने की बात करोगे? कैसे दौड़ रहा है वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ रहा है बस। इतना बड़ा एक्टिंग का दुकान है, और एक्टिंग का दुकान। पानी पी ले पानी पी ले मजा आया। तो फिर एज पर प्लान मेरे को आज इंग्लिश करना था, तो मैं इंग्लिश का 2 chapters का क्वेश्चन आंसर लिटरेचर वो ख़त्म हो गया है। अभी मैं पढ़ रही हूँ ग्रामर। ये देखो, ये दोनों हो गया है, लिटरेचर हो डन। अभी ग्रामर में 4 हैं, उनमें से 2 हो गया है, वे दोनों को मैं अभी रिविजन कर रही हूँ। उसके बाद जो बाकी 2 हैं, 15th and 16th chapter, उसको मैं मतलब सीख लूँगी, लाइक आई विल लर्न इट। और मेरे को आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स देना है। एक्चुअली मैं भी और बहुत सारे बच्चे काफ़ी मतलब मिस्टेक्स करते हैं, ये सिमिलर मिस्टेक्स करते हैं। मैं वो क्वेश्चन आंसर उसके बारे में नहीं, एग्ज़ाम के नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि कभी कभी हम टाइम नहीं मिलता इतना, माना कि हमारे पास टाइम भी होता है लेकिन हम थोड़ा आलसी हो जाते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, हम रिवाइज नहीं करते हैं, पेपर को थोड़ा चेक करना चाहिए। वो मेरा एग्जाम है, मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। छोटा, तुमको तो पढ़ाई नहीं करना होगा, मेरे को करना है। अब जाओ पापा के बेड में खेलो, अगर खेलना है यहाँ मत खेलो, मेरे को पढ़ना है। ओहो आदि, चलो आदि, चलो बाहर चलो। हाँ यहाँ गाड़ी नहीं खेलता है, परिजीत करो। आदू तुम यहाँ पे खेलो, मेरा पढ़ाई, मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ाई करती हूँ। ओके ओके, मेरे रूम में आना मत, मैं पढ़ाई करके आने के बाद फिर खेलेंगे। ओके मैं एक्टिंग हो गई छोटा। अरे ठीक है छोटो, जाओ बेटा। ओके फाइनली पीछे छुट्टी, मैं अपना ग्लासेस थोड़ा पहन लिया। हाँ तो फिर वैसे मैं कहाँ थी, हाँ एग्ज़ाम टिप्स। तो फिर कभी कभी पहले मैं भी काफ़ी आलसी हो जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है ना, तो हमको जो अपना शीट होता है उसको रीचेक करना होता है। तो फिर जैसे कि हमको सारा चेक करना है कि हम सारे क्वेश्चंस आंसर अटेंड किए हैं कि नहीं,
और वो सब सारा चेक करने के बाद भी अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो ना, तो फिर आप ये भी चेक कर लेना कि आपके जो भी स्पेलिंग्स हैं या फिर कुछ भी अगर वर्ड मिसिंग होगा वैसे वो भी चेक कर लेना है, क्योंकि जब भी होता है लिखने के टाइम में पता नहीं चलता है कि हम मिस्टेक किए हैं कि नहीं। उसके बाद बाद में जब हम चेक करते हैं, मेरा वैसे इंग्लिश नोट्स में वाइब मैं क्या एक मिस कर ली थी एक लाइन, तो मेरे को वो मिला तो मैं प्रैक्टिस करने के टाइम में सही से प्रैक्टिस की, नहीं तो मैं गलत सलट ही प्रैक्टिस कर लेती और उससे फिर मैं वो ही एग्जाम में लिख देती, फिर मेरा मार्क्स कट जाता। तो वैसा बहुत बार होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम में हेड है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होता है एग्ज़ाम के टाइम में, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। और एक चीज़, जहाँ पे हमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, ज़्यादा लंबा पैरा मत लिखना, एक छोटा सा शॉर्ट एंड एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है। और जिसमें हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, जैसे कि कुछ 5 मार्क्स का होगा ना, वहाँ पे अच्छे से पूरा डिटेल में लिखना है। तो फिर उसमें माना कि इतना टाइम नहीं जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल पाएंगे। और एक चीज़, जब भी आप कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो ना, नीचे थोड़ा सा स्पेस मतलब छोड़ देना, ताकि एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप उस वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पाओगे अगर टाइम मिलेगा तो। अगर टाइम नहीं होगा तो मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमको चीटिंग नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में। चीटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमको ऑनेस्टली हमारा एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर गलत हो जाएगा तो हाँ मार्क्स तो कटेंगे, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम देंगे तो हमको हमारा वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पता चलेगा। अगर चीटिंग करोगे तो मतलब ऐसे मम्मी मेरे बोलते हैं कि अगर आप चीटिंग करोगे तो फिर हमारा ब्रेन इतना काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप कोई एक मशीन इतना टाइम तक काम नहीं करेगा तो फिर वो काफ़ी ख़राब ही हो जाएगा, वो और यूज़लेस हो जाएगा। वैसे ही हमारा ब्रेन कोई एक मशीन है, अगर उसको आप इतना काम नहीं दोगे तो फिर वो तो और अच्छे से चलेगा नहीं, आपका मेमोरी पावर लो हो जाएगा। तो वह वैसा ही होता है। और एक चीज़, जब भी आप कुछ एक चीज़ पढ़ते हो, जैसे कि मैं अभी एक सीड के बारे में पढ़ रही हूँ जिसका नाम है जेनाथियम, जेनाथियम सीड के बारे में पढ़ रही हूँ, तो फिर जब भी हम ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमको वो अच्छे से याद नहीं रहता है। तो फिर उसके लिए हम ये मेथड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें मैं मोस्टली गूगल ही यूज़ करती हूँ। उसमें हम टाइप कर लेते हैं, उससे पिक्चर्स आते हैं। जब भी हम कुछ देखते हैं जैसे कि वीडियो या फिर पिक्चर, वो हमको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। जैसे कि आपको ताजमहल के बारे में पढ़ना है तो फिर आप उसका कोई एक वीडियो नहीं तो फोटोज़ देखो, तो फिर हमको अच्छे से याद रह जाएगा। और एक चीज़, एक्चुअली मेरे को पहले पता नहीं था कि जेनाथियम सीड कैसे दिखता कैसे है, तो फिर हम ना मेरे प्रियांशी दीदी के गांव गए थे, तो फिर वहां पे महानदी है, वहां पे हम पूरा मस्त से नहाए थे। और फिर आने के टाइम में हम एक प्लांट देखे थे जहाँ पे ये जेनाथियम सीड था, लेकिन उस टाइम मेरे को याद नहीं था, मैं उस टाइम कोई और दुनिया में थी तो फिर मेरे को याद नहीं था कि ये जेनाथियम सीड है। पापा बोल रहे थे कि जब वो छोटे थे वो इसके साथ खेल रहे थे, उन लड़कियों के बाल में लगाते थे और फिर जाने के टाइम में वो बहुत चिपकाता था, तो पापा लाए थे, हम खेल रहे थे। हाँ, मैं जिया के बाल में लगाई थी, पूरा निकल नहीं रहा था, उनका बाल बहुत लंबा है ना तो निकल नहीं रहा था। बाद में मेरे को पता चला आने के बाद कि अरे वो जेनाथियम सीड है, अगर मैं उसको लेकर आती ना तो मैं अपने क्लास को भी दिखा पाती। आप में से फ्रेंड्स कौन अपने गाँव में उसके साथ खेलते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, ओडिया में हम उसको लटकना बोलते हैं, पापा वैसे बोलते हैं कि ओडिया में उसको लटकना बोलते हैं, क्योंकि वो चिपक जाता था ना इसीलिए, क्योंकि उसमें हुक्स होते हैं। और उससे ना, मुझे आपको पता है ना, स्ट्रैप ऐसे जो एक फर जैसा रहता है और एक ऐसे हुक जैसा होता है, उसको ऐसे चिपकाते हैं। स्ट्रैप तो इसमें नहीं आएगा शायद, लेकिन हाँ आपको पता चल गया होगा शायद, वाइट वाइट ऐसे चिपकाते हैं। अभी और ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड, मैं पढ़ाई करती हूँ।
अभी मेरा सारा स्टडी मतलब पढ़ाई ख़त्म हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 10, तो अभी पूरा अच्छे से सोना है। तो फिर गुड स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी लोग टाइम में अच्छे से सोते नहीं हैं तो फिर उनका जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी लो हो जाता है, तो फिर सोना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर चलो गुड नाइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अभी तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा एग्ज़ाम स्टडी रूटीन कैसा है। अभी आपकी बारी है, आप भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्टडी रूटीन कैसा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए नन बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके ओके बाय, लेट्स एंड द वीडियो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।